जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र से सिख कैदियों को रिहा करने का किया आग्रह। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जब अमित शाह ने श्री हरमंदर साहिब का दौरा किया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सिख समुदाय की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में दिल्ली सरकार को आदेश जारी करने के लिए कहा है, ताकि दशकों से जेलों में बंद सिखों को जल्द रिहा किया जा सके। इसी के साथ ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 401वीं जयंती के अवसर पर लाल किले में भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे वाली तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब 400 साल शताब्दी के रूप के समुचे सिख जगत वालों मनाया गया। और खुशी वाली गल है कि बहुत लंबे अरसे बाद भारत सरकार ने धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह याद किया। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद करदे हां, मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच भारत सरकार ने लाल किले के उत्ती 2 रोज़ा बड़े गुरमत समागम किए ने। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद के एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की है। और असी सिख इस लई भारत सरकार का जी धन्यवाद ना करिए, तो ये अकृतकंठता वाली गल है। भारत सरकार का, मानयोग प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 असी धन्यवाद करते हैं। इस दे नाल ही कुछ गल्लां होर भारत सरकार नाल सांझियां करना चाहते हैं। जदों मानयोग गृह मंत्री जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने वास्ते आए से, उदों श्री अकाल तख्त साहब विखे उन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई सी, और बहुत सारे सिख कौम नाल संबंधित जिहड़े मसले पेंडिंग पए आ उन्हां तों उन्हां नूं जाणू करवाया सी। और उन्होंने भरोसा दिता सी कि असी इन्हां मसलियां दी मामलियां दी हल वास्ते यतनशील जिहड़ा है वो होवांगे और मामले हल करांगे। बहुत सारे मसले है, तो उन्होंने मसलों के एक मसला जोड़ा है वह बंदी सिंघा की रिहाई का मामला है। भारत सरकार वालों एक 12 नवंबर 2019 श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी के 550 साल प्रकाश पुरब को समर्पित नोटिफिकेशन किया गया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार जड़िया स्टेटा दियां ने उन्होंने आदेश किए गए सन कि बंदी सिंह जोड़े है वह रिहा किए जा। और भाई बलवंत सिंह जी राजवाणा की जिहड़ी फांसी है उसनों उम्र कैद दे विच तब्दील किया जाए। पर सितम की गल है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भाई बलवंत सिंह जी राजवाणा का मामला जिहड़ा है वह पेंडिंग कर रखे। प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह जी भुल्लर जी का जिहड़ा मामला है उसकी फाइल जिहड़ी है वह दिल्ली सरकार ने दब रखी। और भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा का जिहड़ा मामला है वह कर्नाटक सरकार ने अजे तक हल नहीं किया। इस तरह ही भाई जगतार सिंह जी हवारा सहित होर जो बंदी सिंह जेलों के बंद है लंबिया उमर जो जेलों के भोग चुके हैं उन्होंने भी जल्दी रिहा किया जाना चाहिए। जिंदगी का बड़ा कीमती समा जड़ा है इन्हां साढ़े सिख भरावां ने जेलों के बतीत कर दिया। और मैं भारत सरकार को यह भी कहना चाहना है कि 1947 तो लैके वक्त दियां सरकारां ने सिखां दे पिंडियां दे उत्ते बहुत वड्डे जख्म दिते ने, और जिन्हां दी पीड़ जिन्हां दा दर्द अज भी कौम जिहड़ी है वह हंडा रही। और सानू बहुत उम्मीद है कि मौजूदा मोदी जी की जिहड़ी अगवाई दे विच चल रही भारत सरकार है यह सिखां दे जख्मां दे उत्ते मलम लाउण दा कार्य जिहड़ा है वह जरूर करेगी। असी मौजूदा जिहड़ी गवर्नमेंट है उहदे वल कदम वधाउणा चाहुंदे सुहिरदता दे नाल, और असी इह वी चाहुंदे हां कि सरकार जिहड़ी है दिल्ली दी वह साडे वल कदम वधावे। असी मिलजुल के रहीए, प्यार दे नाल रहीए, खुशी दे नाल रहीए, साडा सन्मान होवे, असी इस मुल्क का सन्मान करिए। पर ये सानू
मिल के चलना पएगा और भारत सरकार ने सिखां दे मामलों दे विच निजी दिलचस्पी दे नाल जिहड़े सिखां दे मामले है वो जरूर हल करवाने पैणगे। मैं एक बारी फिर जो समागम दिल्ली दे लाल किले दे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं समर्पित कीते ने भारत सरकार ने उहदे लई मानयोग प्रधानमंत्री जी का, श्री मोदी जी का और गृहमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।